हेलो फ्रेंड्स, रोहित शर्मा को T20 टीम के कैप्टनी के लिए मनाएगा BCCI। अब इसमें रोहित शर्मा का क्या कहना है जानने के लिए बने रहे वीडियो में एंड तक। फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका के आगामी महत्वपूर्ण दौर के लिए गुरुवार को टीम का ऐलान करने से पहले BCCI के शीर्ष अधिकारी रोहित शर्मा को T20 प्रारूप में भारतीय टीम की अगुवाई करने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। T20 विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल में टीम इंडिया की हार के बाद रोहित शर्मा को काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। इसी वजह से वो पिछले एक साल से T20 नहीं खेले हैं। इसी कड़ी में BCCI सचिव और चयन समिति के संयोजक जैसा दिल्ली में मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर से मुलाकात करेंगे और टीम पर चर्चा करने के साथ ही अगले बड़े टूर्नामेंट T20 विश्व कप के लिए अपना टीम तैयार करेंगे। BCCI चाहता है रोहित शर्मा ही T20 में कैप्टनी करे। नियमित T20 कैप्टन हार्दिक पांड्या हाल में समाप्त हुए वनडे विश्व कप के दौरान टखने में चोट लगने के कारण एक और महीने के लिए बाहर हो गए हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए सूर्य कुमार यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि अब जब T20 विश्व कप में करीब 7 महीने का वक्त बचा है और टीम की तैयारियां लगभग शुरू हो गई है, ऐसे में बोर्ड चाहता है कि रोहित शर्मा फिर से T20 में वापसी करे और कैप्टनी का जिम्मेदारी संभाले। फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है, रोहित शर्मा अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए बैक करेंगे? अपना राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।